हे गाइस, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और फायरबोल्ट की नई स्मार्ट वॉच जिसका नाम है फायरबोल्ट विजनरी। और ये जो स्मार्ट वॉच है, इसमें आपको यहाँ पर एक एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है और साथ में आपको यहाँ पर कॉलिंग फीचर भी दिया हुआ है। और बहुत सारे लोग मुझे यार बोलते हैं कि भाई ऐसी कॉलिंग स्मार्ट वॉच आप बताओ जिसमें आपको यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले मिलता हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फायरबोल्ट विजनरी के बारे में। और इसका जो प्राइस है भाई 3700 रुपये है, और 3700 रुपये में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और स्मार्ट वॉच में एमुलेट और कॉलिंग फीचर मिलता है इस प्राइस पॉइंट में। तो आई थिंक ये चीपेस्ट स्मार्ट वॉच रहेगी एमुलेट और कॉलिंग फीचर के साथ जो आती है। तो आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फीचर्स टेस्ट करेंगे और मैं बताऊंगा कि ये वॉच आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये इसका बॉक्स है, देख सकते हो भाई काफी लंबा सा बॉक्स है। और इसके ऊपर देख सकते हो इसकी जो वॉच है कुछ इस तरह से मिलेगी, स्क्वायर डिस्प्ले के साथ, और साथ में यहां पर लिखा हुआ है 1.78 इंचेस का काफी बड़ा डिस्प्ले मिलता है। और ये एमुलेट डिस्प्ले है, और साथ में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिलती है। और उसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ और फीचर्स वगैरह भी लिखे हैं, जैसे ऑब्वियसली 1.78 इंचेस का एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, ब्लूटूथ कॉलिंग आपको यहाँ पर मिलती है, साथ में यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी खासी है, 368x448 पिक्सल, तो काफ़ी बढ़िया रेजोल्यूशन मिलती है। 100+ आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे, और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट करता है, और साथ में अपने जो TWS है इसे कनेक्ट भी कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है। और उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और फीचर्स लिखे हैं, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, वेदर अपडेट और बिल्ट इन म्यूजिक फंक्शन। तो ये इसका बॉक्स है, आप जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारी वॉच। और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरह से पैकेजिंग में ये वॉच आपको मिलेगी। तो इसको मैं इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, और देख सकते हो ये रही हमारी फायरबोल्ट विजनरी। तो इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, बाकी जो बॉक्स के कंटेंट है उसे चेक कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में ऑब्वियसली इसकी एक चार्जिंग केबल आपको मिलती है, और ये जो चार्जिंग केबल है ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, पोगो कनेक्टर पिन वाली। और उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगी, तो कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान, यहाँ पर आपको जो इसकी जो वारंटी इन्फॉर्मेशन, और साथ में यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है काफ़ी बड़ी सी। तो ये तो है बॉक्स के कॉन्टेंट, लेकिन अब आते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो ये है फायरबोल्ट विजनरी, और इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपर लगा है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। और उसके बाद स्क्रीन पर भी यहाँ पर एक स्टिकर सा लगा है, तो उसको भी हटा देते हैं। और देख सकते हो इसकी जो स्क्रीन है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, इसको ऑन करेंगे देखेंगे। और अगर मैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो डिज़ाइन या फिर जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया लग रही है। यहाँ पर जो आपको बिल्ड मिलती है वो एकदम मेटल की मिलती है, मैट ब्लैक टाइप की आपकी फिनिशिंग है, और काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी प्रीमियम सी लग रही है वॉच। लेकिन अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको दो बटन देखने को मिलती है, बेसिकली एक स्क्रोल है और दूसरा एक बटन है, तो फंक्शन बटन रहेगा, इसको चेक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर माइक्रोफोन देखने को मिलता है, क्योंकि ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। पीछे की तरफ इसके जो सेंसर्स हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर्स, और यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट है, और ऑब्वियसली स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रैप्स हैं ये सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं, और काफ़ी अच्छे खासे काफ़ी सॉफ्ट स्ट्रैप्स हैं, तो स्ट्रैप्स की क्वालिटी काफ़ी सही है। और ये जो स्ट्रैप्स हैं इसको आप इस तरह से स्लाइड करके रिप्लेस वगैरह कर सकते हो, जैसे आपको एप्पल वॉच में जैसे स्लाइड करके आप उसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो स्टाइल है वो काफ़ी हद तक एप्पल वॉच जैसा है, तो मुझे लगता है कि जो एप्पल वॉच के जो स्ट्रैप्स हैं आप इसको यूज़ कर सकते हो, और मार्केट में बहुत सारे एप्पल वॉच के जो स्ट्रैप्स के स्टाइल मिल जाते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इतने आराम से स्लाइड होकर बाहर नहीं निकलते। तो ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है वॉच की वो काफ़ी सही है, काफ़ी प्रीमियम सी है। ऑब्वियसली मेटल है, तो थोड़ा सा इसका जो वेट है हैवी है, लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही लगी। तो आप जल्दी से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, और इसके जो फीचर्स हैं उसे यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो वॉच को ऑन करने के लिए यहाँ पर ये जो बटन है इसको आपको प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर ये जो वॉच है ये ऑन हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पर फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ गई है। और इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए अपने फोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है, द फिट। तो यहाँ पर आप ऐड डिवाइस पर टैप कर दीजिए, और यहाँ पर आपको जो वॉच है वो शो हो जाएगी। तो वॉच हमारे फोन के साथ पेयर हो गई है, लेकिन सबसे पहले जैसा आप देखते हो यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको मिलता है वो मिलता है 1.78 इंचेस का एमुलेट डिस्प्ले, और ये जो डिस्प्ले है काफी बढ़िया है, और रेजोल्यूशन भी काफी अच्छी खासी है, 368x448 पिक्सल, तो पिक्सल डेंसिटी काफी हाई है। और कलर्स वगैरह भी जैसा आप देख सकते हो काफी पंची कलर्स हैं, डीप ब्लैक्स आपको मिलेंगे, और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पर सपोर्ट करता है। उसके अलावा इस वॉच के मैं फीचर्स की बात करूँ, तो सबसे पहले जैसा आप देखते हो जो डिफॉल्ट वॉच फेस है कुछ इस तरह से, इसको आपको चेंज करना है, तो उसकी स्क्रीन को होल्ड करके रखना है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो डिफॉल्ट वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। और ये वाला जो वॉच फेस है इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और इसको लगाने के बाद आप देख सकते हो इसके जो बेजल्स वगैरह हैं वो आपको कितने मिलते हैं। तो यहाँ पर जो बेजल्स हैं काफ़ी नैरो बेजल्स हैं, नीचे की तरफ हल्का सा थोड़ा ज़्यादा बेजल मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो बेजल्स हैं वो कंपैरेटिवली दूसरी वॉचेस से काफ़ी कम है, तो मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ काफ़ी सही लगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्मूथ है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जो वॉच फेसेस आप इसकी ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, तो यहाँ पर वॉच फेस में जाके इसकी ऐप में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी सी एक लाइब्रेरी देखने को मिलती है, और देख सकते हो काफ़ी सारे जो वॉच फेसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एक क्राउन भी दिया हुआ है, तो अगर आपको वॉच फेस जल्दी से यहाँ पर चेंज करने, तो आप ये जो क्राउन है इसको रोटेट करके चेंज कर सकते हो, और देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग जो
वॉच फेसेस हैं यहाँ पर आप सेट कर पाओगे। और उसके अलावा अगर मैं बाकी फीचर्स की बात करूँ तो होम स्क्रीन पे नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो आपके नोटिफिकेशन पैनल है, तो जितनी भी नोटिफिकेशन रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करने पर क्विक टॉगल बटन्स हैं, तो डेट, बैटरी स्टेटस, कनेक्शन स्टेटस, वाइब्रेशन इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हो। फ्लैश लाइट को यहाँ से आप इनेबल कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर थिएटर मोड है, तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो कम कर देता है, जो वाइब्रेशन है उसे डिसेबल कर देता है, तो बैटरी वगैरह सेव कर सकते हो। उसके अलावा ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल करना है, तो आप इस तरह से स्लाइड करके इस पर सेट कर सकते हो। और जो ब्राइटनेस का लेवल है मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा खासा है, इंडोर आउटडोर में किसी तरह से कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा वेदर फोकास्ट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और करंट एरिया का जो वेदर है और नेक्स्ट फ्यू डेज का फोकास्ट भी आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन है वो है सेटिंग का, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन पर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो सारे शॉर्टकट कार्ड आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप काउंट्स हैं, और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप उसकी हिस्ट्री वगैरह भी देख पाओगे। और इस मेन्यू को स्क्रॉल करने के लिए आप यहाँ पर ये जो क्राउन है उसे भी यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी सही है। उसके बाद और स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपकी स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल देख सकते हो, लाइट स्लीप, डीप स्लीप। और स्वाइप करने पर आपको यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन इसको हम आगे चेक करेंगे, और इसकी हिस्ट्री भी आप देख पाओगे। इसमें आपको बीपी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसको भी हम आगे चेक करेंगे। SpO2 यहाँ पर आपको मिलता है, और साथ में यहाँ पर ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पर आपको जो कुछ कॉलिंग के फीचर दिए हैं जैसे रीसेंट कॉल्स हैं, डायल पैड्स हैं और कॉन्टैक्ट है, और कॉन्टैक्ट आप इसकी ऐप के थ्रू सेंड कर सकते हो। लेकिन डायल पैड में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर एक नंबर है उसे डायल कर सकता हूँ, और डायल करने के बाद भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जैसा आप देख सकते हो। तो यहाँ पर स्पीकर से आवाज़ आ रही है, लेकिन हम इसको आगे चेक करेंगे, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसे डिक्रीज कर देता हूँ। लेकिन जो वॉल्यूम है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, काफ़ी लाउड है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे आप जो कॉल है उसे म्यूट कर सकते हो, या फिर इस कॉल को अपने फ़ोन पर ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर फ़ोन से अपने वॉच पर ट्रांसफर कर सकते हो, और साथ में यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और कॉल काट सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला, कॉलिंग का फीचर हम आगे चेक करेंगे। उसके बाद और स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर AI वॉइस का ऑप्शन है, तो अगर आप गूगल असिस्टेंट सीरी यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप उसको यूज़ कर पाओगे। और स्वाइप करने पर वेदर की इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर आप वेदर फोकास्ट भी देख सकते हो। और नेक्स्ट स्वाइप करने पर यहाँ पर ऐड कंपोनेंट का ऑप्शन है, तो जितने भी शॉर्टकट कार्ड आपने यहाँ पर अब देखें, उसके अलावा अगर आपको और शॉर्टकट कार्ड ऐड करें तो यहाँ पर आप प्लस के बटन पर टैप करके ऐड कर सकते हो, और देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट कार्ड्स आपको दिख जाएंगे। तो एक एक करके मैं सारे ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ब्रीथ का ऑप्शन है, अगर आप योगा वगैरह करते हो तो ये आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। दोबारा से और ऐड कुछ करना हो तो यहाँ पर स्टॉप क्लॉक का ऑप्शन है, और स्वाइप कर लेते हैं। यहाँ पर अलार्म का ऑप्शन भी अगर आपको ऐड करना हो तो इस तरह से ऐड हो जाएगा। शटर कंट्रोल भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर जो एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स हैं उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फ्लैश लाइट का ऑप्शन ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ऑब्वियसली कैलकुलेटर आपको मिलता है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सही रहता है, तो यहाँ से आपको वो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फीमेल्स के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है उसको भी ऐड कर सकते हो। टाइमर का ऑप्शन आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे। क्विक नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे। और उसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है म्यूज़िक कंट्रोल का। तो ये सारे जो शॉर्टकट कार्ड्स हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और देख सकते हो बहुत सारे शॉर्टकट कार्ड्स मैंने ऐड कर लिए हैं। लेकिन अगर आपको कोई शॉर्टकट कार्ड नहीं चाहिए तो आप उस पर टैप करके इस तरह से रिमूव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे कुछ कुछ जो शॉर्टकट कार्ड है उसको रिमूव कर लिया। लेकिन जैसे आपने देखा यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो प्ले के बटन पर टैप करूँगा तो यहाँ पर म्यूज़िक है वो बजना शुरू हो गया, और उसके बाद यहाँ पर मैं पॉज कर देता हूँ। नेक्स्ट जा सकते हो या फिर प्रीवियस जा सकते हो, और देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। उसके अलावा वॉल्यूम है उसको भी यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो, और जो म्यूज़िक है इस टाइम पर मेरे वॉच में बज रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो नीचे 3 डॉट्स आपको दिए हैं तो इस पर टैप करोगे तो म्यूज़िक आपका फ़ोन का म्यूज़िक, या फिर अगर आप लोकल म्यूज़िक, क्योंकि इसमें भी आपको स्टोरेज मिलती है तो आप जो म्यूज़िक वगैरह इस वॉच में भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर लोकल म्यूज़िक पर टैप करते हो तो यहाँ पर आप जो अपना ब्लूटूथ डिवाइस है उसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन आ गया, तो कोई भी TWS ब्लूटूथ ईयरफोन्स वगैरह आप इसको यहाँ पर पेयर कर पाओगे, तो ये काफ़ी सही ऑप्शन है। लेकिन उसके अलावा जैसे हमने देखा कि जो म्यूज़िक है इस टाइम पर वॉच में बज रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो आपके फ़ोन में आपके ब्लूटूथ डिवाइस में बजे तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ की सेटिंग में जाकर आपको जो मीडिया ऑडियो है उसे डिसेबल करना होगा। उसके बाद इसकी होम स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपके पास स्प्लिट स्क्रीन व्यू का ऑप्शन है, और यहाँ पर आप रिसेंट जितनी भी ऐप्स आपने यूज़ करी वो आप देख पाओगे। और उसके अलावा यहाँ पर वेदर फोकास्ट, टाइम, डे वगैरह आप देख पाओगे। और इस वॉच का जो मेन मेन्यू है उसको एक्सेस करने के लिए ये जो क्राउन बटन है इसको आपको प्रेस करना होगा, और जितने भी फीचर्स वगैरह वो आप यहाँ पर देख पाओगे। तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हनी कोम ग्रिड स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको फायरबोल्ट की वॉचेस में देखने को मिलता है। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्मूथ है, और स्क्रॉल की मदद से आप यहाँ पर ये जो मेन्यू है इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। तो दिखने में ये जो मेन्यू है काफ़ी कूल सा लगता है, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग में जाकर इसका जो मेन्यू स्टाइल है वो आप चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले में जाऊँगा और यहाँ पर देख सकते हो मेन्यू स्टाइल, तो हनी कोम है उसको लिस्ट स्टाइल में कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका मेन्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, और मेरे लिए भी आसान रहेगा आपको बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी का ऑप्शन है, स्टेप्स काउंट यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, फोन कॉल्स, मेजर
हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, SPO2, उसको भी आप यहाँ से मेजर कर पाओगे। उसके अलावा BP का भी ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन इसको भी हम आगे चेक करेंगे। एक्सरसाइज का ऑप्शन है और इसमें आपको 100 के करीब स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। और देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड है, लेकिन और स्पोर्ट्स मोड ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर जो कैटेगरी में जाकर ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड है, सबको तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन किसी को भी चालू करना उस पर टैप कर दीजिए। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कितने स्टेप्स आपने काउंट किए, कितने किलोमीटर आपने कवर किया, कैलरी, बीट पर मिनट्स, और यहाँ पर इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद इन एक्टिविटी के जो रिकॉर्ड्स वगैरह रहेंगे आप एक्सरसाइज रिकॉर्ड में जाकर देख सकते हो। ब्रीदिंग का ऑप्शन है तो ब्रीद कंट्रोल कर सकते हो। वेदर का ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। शटर का ऑप्शन है, प्लेयर आपको यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। अलार्म का ऑप्शन है, स्टॉप वॉच, टाइमर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है। कैलकुलेटर का ऑप्शन यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। फ्लैश लाइट, QR कोड और अदर बेसिकली इसकी सेटिंग है। तो सेटिंग में जाकर आप यहाँ पर जो डिस्प्ले की सेटिंग है उसे चेंज कर पाओगे। तो ऑटो स्लीप, मेन्यू स्टाइल, ब्राइटनेस और डायल स्विच, तो ये सारे इसके डिस्प्ले के ऑप्शन है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर वाइब्रेशन में जाओगे तो कॉल आने पर किस तरह से आपको अलर्ट चाहिए, तो वाइब्रेशन चाहिए या फिर वाइब्रेशन बेल चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो सॉफ्ट या फिर स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद यहाँ पर लो पावर मोड, थिएटर मोड, फोन कॉल का ऑप्शन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके अलावा कॉल रीसेट, बेसिकली आपकी जो हिस्ट्री वगैरह है उसको रीसेट कर सकते हो। और AI वॉइस, ऑलवेज ऑन स्क्रीन का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो उसको भी एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। तो यहाँ पर एनालॉग है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जैसा आप देखते हो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ब्राइटनेस इसकी कम लगी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो डिजिटल क्लॉक है उसको भी चेक कर लेते हैं। और जो डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। और जैसे बोला थोड़ा सा जो मुझे ब्राइटनेस है इसकी कम लगी है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सिस्टम का, और इसमें आपको रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फायरबोल्ट विजनरी के फीचर्स के बारे में। और फीचर्स वाइज डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफी अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। डिस्प्ले यहाँ पर आपको एमुलेट मिलता है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, काफी शार्प डिस्प्ले है। और यहाँ पर जो UI है वो भी काफी स्मूथ है, तो जो एक्सपीरियंस रहता है इस वॉच को यूज करने का वो काफी अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल फीचर्स वाइज काफी बढ़िया है। लेकिन अब जल्दी से मैं इसको पहन लेता हूँ। इसका जो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर और इसमें जो आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है, तो उसको यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। और वॉच पहनने के बाद जैसा आप देखते हो इसकी जो इन हैंड लुक है वो कुछ इस तरह से रहती है। और दिखने में जो वॉच है काफ़ी सही लग रही है, बिल्ड क्वालिटी और लुक काफ़ी बढ़िया है। लेकिन इसके अलावा इसका जो कम्फर्ट लेवल है वो भी बोलूँगा कि काफ़ी सही है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा इस वॉच का जो हार्ट रेट और SPO2 सेंसर है उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। और ये जो वॉच है ये कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है उसे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इसे मेरा जो हार्ट रेट बताया वो बताया है 77 बीट्स पर मिनट। और मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है, और यहाँ पर जो मेरा हार्ट रेट बता रहा है वो बता रहा है 79, और यहाँ पर भी बता रहा है 79। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो सिमिलर सी आपको रीडिंग मिलती है। और उसके अलावा इसमें आपको BP का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन उसको आगे चेक करेंगे। उससे पहले यहाँ पर SPO2 उसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर ये मेरा जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है उसे मेजर करेगा। लेकिन हर बार बोलता हूँ ये जो वॉचेज रहती है कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, आप सिर्फ इनको आइडिया लेने के लिए यूज़ करो। तो यहाँ पर इसे मेरे जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बताया वो बताया है 98%। और यहाँ पर जैसा आप देखते हो ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीजन लेवल बता रहा है वो बता रहा है 98%। तो काफ़ी क्लोज सी रीडिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा जैसा इसमें आपने देखा कि इसमें आपको BP का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी एक बार मेजर कर लेते हैं। और मोस्टली वॉचेज़ में मैं वैसे BP पे ज़्यादा रिलाय नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। और देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा BP का लेवल बताया वो बताया 128/70। तो एक बार दोबारा से भी चेक कर लेते हैं। और इस टाइम पे मेरे पास ऑफिस में कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं पड़ा कि इसकी एक्यूरेसी को देखने के लिए कितना एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। और इस बार इसने जो मेरा BP बताया वो बताया 126/69। और स्वाइप करके आप जो इसकी हिस्ट्री वगैरह भी देख पाओगे। लेकिन आप एक बार इस वॉच को टेबल पर रख के भी चेक कर लेते हैं कि टेबल पर रख के यहाँ पर जो हार्ट रेट SPO2 मेजर कर पाता या फिर नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हार्ट रेट है उसे मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर टेबल पर रखकर जितनी बार भी मैं इस पर टैप कर रहा हूँ मेजर करने के लिए उतनी बार यहाँ पर एरर आ रहा है। तो टेबल पर रख के हार्ट रेट उसे मेजर नहीं कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर BP का भी ऑप्शन है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। और BP को भी यहाँ पर ये टेबल पर रख के मेजर नहीं कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर SPO2 का ऑप्शन है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो तीनों में यहाँ पर टेबल पे रख के यानी कि फ्लैट सरफेस पे रख के आपको एरर आ रहा है। तो यानी कि ये जो सेंसर्स हैं काफ़ी हद तक अपना काम कर रहे हैं, और फ्लैट सरफेस पे रखने के बाद आपको कोई यहाँ पर रीडिंग शो नहीं करता है। उसके बाद ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो इसका कॉलिंग वाला फीचर है उसको भी यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ। और सबसे पहले इसका जो स्पीकर्स का वॉल्यूम है उसे यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर जो वॉल्यूम है स्पीकर्स का वो काफ़ी लाउड है, और इसको मैं काट देता हूँ। और मैंने इस पर कुछ कॉल्स वगैरह लिए हैं, और इंडोर्स या फिर इवन आउटडोर्स में भी आप आराम से इस पर कॉलिंग ले सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट में हो तो आपको थोड़ा सा इसका स्पीकर का वॉल्यूम कम लगेगा, लेकिन स्पीकर डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी लाउड है। उसके अलावा यहाँ पर इसके जो माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगी है। और इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो मेरे कॉलर माइक से सुन रहे हो, जैसा आप सुन सकते हो। तो इसका जो माइक है मैं स्विच कर देता हूँ। तो अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर फायरबोल्ट विजनरी के माइक्रोफोन से, और इसका जो माइक है वो इस साइड पर है।
और जैसा आप सुन सकते हो इसकी जो माइक की क्वालिटी है मुझे तो काफी सही लगी है। और अगर आप इस तरह से हाथ रखकर बात करते हो, जो कि मोस्टली हम वॉचेस पे इस तरह से ही बात करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस पर कॉलिंग वगैरह ले सकते हो और माइक की क्वालिटी मुझे काफी सही लगी। लेकिन अगर आप जैसे कुछ और काम कर रहे हो और हाथ थोड़ा सा दूर रखते हो, तो जैसा आप सुन पाओगे इसकी जो माइक की क्वालिटी किस तरह से आपको मिलेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो माइक है वो काफी डिसेंट है और कॉलिंग के हिसाब से आप इस वॉच को आराम से यूज कर सकते हो। तो आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो ओवरऑल दोस्तों ये तो है फायरबोल्ट विजनरी और वॉच जो है वो भाई काफी बढ़िया है। जो इसका प्राइस है भाई 3700 रुपए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी सही है और यहाँ पर आपको जो कॉलिंग का फीचर दिया है जैसा आपने देखा वो भी काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि भाई इस प्राइस पॉइंट में 3700 रुपए में आपको कोई और वॉच नहीं मिलती जिसमें आपको एमुलेट डिस्प्ले विद कॉलिंग फीचर दिया हुआ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक चीपेस्ट स्मार्ट वॉच है जो आप इस टाइम पर खरीद सकते हो एमुलेट डिस्प्ले के साथ, और आपको जो कॉलिंग फीचर चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने इस वॉच को खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी ये वॉच फायरबोल्ट विजनरी ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं इसी तरह के और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको।